माय छपी चैनल, दिस इज माय यूट्यूब चैनल, देन यू सब्सक्राइब मी। और आज का टॉपिक करते हैं हटके, वो है टॉपिक कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हर इंसान की एक ही चीज की प्रॉब्लम होती है 90% की, कॉन्फिडेंस लेवल सबका कम होता है, मेरा हो किसी का भी हो। ठीक है, आप किसी के पास जाते हो, बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे आप बात करने में प्रॉब्लम होती है, आपको फेस करना पड़ता है, उनसे आप बात नहीं कर पाते हो क्योंकि आप उनको सोचते कि बड़े दर्जे का उसको अव्वल दे देते हो कि भाई वो बंदा कैसा है, कितना अमीर है, मैं उससे बात कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उससे अच्छी इंग्लिश आती है वगैरह वगैरह। ठीक है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तुमसे भी बड़ा चुम्मू है। ठीक है, अगर तुम एक कॉन्फिडेंस से बात करोगे ना तो बंदा वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा, एक चीज जान लो। ठीक है, अगर आप किसी की लड़की को प्रपोज कर रहे हैं, शादी ब्याह में जा रहे हो और कॉन्फिडेंस लेवल कम है तो भाई आप क्या कर सकते हो। ठीक है, वैसे भी मैं भी बता रहा हूँ, वैसे भी मैं कैमरा में देख के बात कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस है। ठीक है, बातें कर रहा हूँ, अब लोगों से देख रहा हूँ, फेस भी कर रहा हूँ। ठीक है, बट मैं रियल लाइफ में जाता हूँ, किसी से बात करता हूँ, कुछ करता हूँ तो मुझ में कॉन्फिडेंस कम होता है, लोगों से बात नहीं कर पाता हूँ, मैं हिचकिचाता हूँ। ठीक है, सब कुछ आपको पता ही है। ठीक है, मैं क्या करूँ। ठीक है, रिश्तेदार हो कोई भी हो, अब किसी लड़की को देख लिया शादी ब्याह में तो मैं किसी को प्रपोज नहीं कर पाता, ना उससे नाम पूछ पाता हूँ, ना दोस्ती कर पाता हूँ, ना कुछ। ठीक है, ये भी होता मेरे साथ, सच बात है। ठीक है, और क्या बोलूँ भाई, मतलब अभी तक सिंगल पड़ा हूँ मैं। ठीक है, सुखी गांच हूँ मैं, सुखी गांच के जैसे बता रहा हूँ। ठीक है, बेरोजगारी छा रही है, अभी तक ना नौकरी है ना जॉब है। ठीक है, और रिश्तेदार लोग टोन मारते कस के, बेटा अभी क्या कर रहा है, जॉब हुआ कि नहीं हुआ, जॉब हुआ तो तेरे हाथ पीले कर दूं। ठीक है, फिर तुम भी कॉन्फिडेंस से जवाब दो भैया कि आप अगर इतने तिलमिल मची है तो मेरा को मेरा ये करवा दीजिए, मेरा क्या मतलब जॉब वगैरह करवा दो, करियर में सेटिंग करवा दो, तब तो रिश्तेदार मर जाते हैं, ऐसे हो जाते। ठीक है, बता रहा हूँ, सुनना सही। ठीक है, ऐसे नमूने मिलते हैं आपको, रिश्तेदार भी गजब के नमूने मिलते हैं, आपकी सारी बातें पूछते हैं, खोद खोद के निकालते हैं। ठीक है, छोड़ो की करा यो नहीं करा, मरवाड़ी में भी बात करूँ, मरवाड़ी छोड़ो, कोई भी बिहारी हो, कास्ट के कोई भी कास्ट के, ठीक है, अपने कास्ट की पड़े रहते हैं, अपनी कास्ट की लड़की मिले तो ठीक है भैया, नहीं मिले तो भी कास्ट वास्ट को गोली मारो भाई। आज बात करते हैं कॉन्फिडेंस लेवल की। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल अपना जितना हो सके बढ़ाओ, लोगों से बातें करो और उसके साथ आंख टू आंख मिलाओ। ठीक है, मैं भी बहुत कॉन्फिडेंस बात करता हूँ, कभी कभी मेरा भी कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, बट जब मैं आप कभी भी आपका NBHI वाला या और भी बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखोगे जिसमें कॉन्फिडेंस वाले वीडियोस देखोगे, आपका शायद कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। और अब देख सकते हैं मौसम काफी खराब है, आप सोचे खराब के मौसम के दिन ही मैं वीडियो बनाऊँ। ठीक है, मुझे पता है मेरे वीडियो भी वायरल नहीं होते, कोई देखता भी नहीं है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल देखो, मैं फिर वीडियो आया हूँ, फिर वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो डालूंगा भी, मुझे पता है लाइक कोई घंटा नहीं करेगा, सब्सक्राइब भी पता नहीं कोई करे ना करे। ठीक है, बहुत मुश्किल से कितना 151 सब्सक्राइबर हुए, रो रहा के दुख बताया नहीं जाता। ठीक है, तो अभी यही इंसान की लगी पड़ी है, मेरी बहुत 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 बुरी वाली लगी पड़ी है, तो भी मैं खुश रहता हूँ, अपनी जिंदगी में आवाज रहता हूँ। ठीक है, जिनको बोला जाता हूँ जिनका एग्जाम हो गया, 12th का, ये सब का उनका मार्क्स कम आ गए, 95 आ गए, बहुत दुख की बात है, सुसाइड मत करना भैया। ठीक है, जिनके 65 आते हैं, जिनके 50 आते हैं, वो यार बोले बल्ले बल्ले डाकते हैं। ठीक है, ये भी जान लो, क्योंकि उनका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा रहता है। ठीक है, जिनका जॉब नहीं मिल रहा, जिनकी लाइफ में बहुत बहुत कुछ हो रहा है, उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, और जिनकी शादी हो चुकी है उनकी लाइफ में ज्यादा स्ट्रेस है, उनको बोले भाई अपने दिल पर पत्थर रख के दिल पर रखो, ऑल इज वेल, कोई बात नहीं, जॉब भी नहीं है, नाच रही टांडव कर रही है, पैसे लाओ पैसे लाओ कहाँ से लाओ, सुसाइड कभी मत करना। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ये लिख के दे रहा हूँ, जिनकी शादी हो गई तो भी दुखी है, जिनकी नहीं शादी तो भी दुखी है। मैं तो भैया खुद तो आवाज हूँ अभी तो। ठीक है, मुझे पता है कि मुझे जॉब करना है, करियर बनाना है, सेटअप करना है, सब कुछ पता है। और अगर आपको अपनी लाइफ में सेटअप करना है, कुछ भी करना है, एक जिंदगी में एक चीज ध्यान रखना कि लाइफ में कभी भी कॉन्फिडेंस लेवल कभी मत खोना। मुझे पता है कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ होता है, मन को तो छत से कूद जाऊं, बट मैं दिल पर मैं एक हाथ रख के बोलता हूँ कि भाई मैं अगर कूद भी जाऊंगा तो 3 दिन मेरे लिए मातम मनाएंगे, रोएंगे, उसके बाद क्या, फिर मुझे अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के कुछ करना है लाइफ में, कुछ करियर सक्सेस करना है, ये चीज मन में याद रखो। मैं सोच के रहता हूँ भाई कुछ करूंगा, हार नहीं मानूंगा, गिव अप नहीं करूंगा, और इसी तरह वीडियो डालूंगा, पता है फालतू वीडियो जो भी है। ठीक है, मुझे पता है कोई लाइक करेगा नहीं, ऐसे डाल दे रहा हूँ, अच्छा लगे लाइक करें।
ना अच्छा लगे मत करना, और लोगों को बोलना चाहता हूँ हार्ड में जाए ठीक है, जो मुझे लाइक नहीं करे तो भी, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बड़ा है तो क्या बताऊँ मैं, बहुत ज्यादा बड़ा है कॉन्फिडेंस लेवल, हद से ज्यादा ठीक है। तो मुझसे अगर कोई भिड़ेगा तो मैं उसको हवा में उड़ा दूंगा तो ठीक है। अगर आपको मन में अगर फीलिंग लगे, डाउन लगे, स्ट्रेस लगे लाइफ में बहुत कुछ, तो कभी कभार गेमिंग खेलना यार, थोड़ा बहुत फ्री फायर पबजी ये सब, कभी के बाद थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं ठीक है। अभी तो मैं खेलता नहीं हूँ ठीक है, क्योंकि मेरी फोन का हालत बहुत खराब है, मेरे पास 2GB 16GB रोम के साथ है फोन है, तो मैं गेम वगैरह नहीं खेल पाता, बहुत मुझे अफसोस भी लगता है ठीक है, क्या करूँ गरीबी भी आटा गीला है। देखता हूँ कुछ अच्छा कुछ बिजनेस वगैरह सेटअप हो जाए तो बढ़िया था, मोबाइल फोन लूंगा। शादी तो अभी नहीं करूंगा भैया, ना डुबकी मारूंगा ना सुसाइड करूंगा ठीक है। जिंदगी दी आबाद रहो, खुश रहो, दूसरों को खुश रहने दो ठीक है। अब वीडियो अच्छा तो लगेगा नहीं मुझे पता है, लाइक तो पहले करोगे नहीं तुम लोग, तो भी मैं जा रहा हूँ, बाय बाय बाय।